मैं गा के सुना के पर वही अनुज वहां से हंस रही हूँ, मन में सोचती कि कैसा गा रही है। अनुज जी मुझे माफ करना जरा, मेरी मेरी भी आवाज खराब हो रही है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सांग देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। उषा थोड़ी तालियां कम है उषा करने के लिए, जो बातें उन्होंने कही उन बातों सबसे पहले तो मैं आप सबको अपना नमस्कार करती हूँ और खेती जो बैठे उनके और मैं सब और ये भी कहना चाहूँगी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे पैर में आज ही एक चोट लग गई और जोर से, तो मैं मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने की डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठी हूँ और आप लोगों के पास नहीं आ सकती, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं आज बहुत खुश नसीब अपने आप को भी समझ रही हूँ कि लता मंगेशी के नाम से जो मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, जो सम्मान दिया जा रहा है, उसकी मैं हफ्ता देर से ज़रूर हुई हूँ क्योंकि मैं एमपी की बेटी हूँ और मुझे बहुत देर से याद किया सबने। और लता दीदी के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, वो इतनी बड़ी कलाकार और इतनी बड़ी साक्षात सरस्वती माँ हैं, उनका आशीर्वाद मुझे आज मिल गया है, बस ये बहुत बड़ा अपने आप को मैं समझती हूँ। मुझे लता दीदी की एक बात याद आ रही थी, जब मैं नई नई म्यूजिक जो बन के आई थी तो गाना रिकॉर्डिंग के लिए मैं वो जब थिएटर में आई तो मैं इतनी घबरा गई उनको देख के और मेरी जो बोलती थी वो बंद हो गई, और जब कहने लगी अच्छा उषा आप तुम गाना लिखा दो मुझे, मैंने उन्हें गाना लिखाया, गाना लिखाने के बाद कहने लगी अच्छा सुनाओ क्या ट्यून बनाई है, तो वो जब मैं ट्यून सुनाने लगी तो मेरे गला तो चोक हो गया जैसे किसी ने गले में ताला लगा दिया। अब वो हंसने लगी, बोली क्या हुआ, मैंने कहा मैं मुझे गाया नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ ही बदल गई, बोले क्यों, मैंने कहा मैं पहली बार आपको साक्षात सामने बैठ के और वो भी गाना सिखाओ मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तो कहने लगी देखो उषा अगर तुम गाना सिखाओगी नहीं तो मैं गाऊंगी कैसे, मैं अपनी कंपोजिशन तो कर नहीं सकती, अब तुम्हें सिखाना पड़ेगा नहीं तो रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दो, तो मैं डर गई, तो मैंने कहा अच्छा मैं गाती हूँ, जब गाने लगी तो फिर वही आवाज़ बन, बोले अरे डरती क्यों, मैंने कहा आप इतना अच्छा गाती हैं मैं आपके सामने गा के कैसे सुनाऊँ, तो बोले अच्छा हारमोनियम बजा के सिखाऊंगी क्या, सिर्फ हारमोनियम पर ट्यून बनाऊंगी तो मैं गाऊंगी क्या, तो मैंने कहा अच्छा मैं सिखाती हूँ, तो वो गाना पहला मेरा गाना था माझी मेरी किस्मत के जी चाहे जहाँ ले चल जी चा, और जितने ही गाया तो मेरे चाहे की बात आवाज़ ही नहीं निकली, फिर बोली क्या कर रही, मैंने कहा अच्छा मैं माफ़ी चाहती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आपको गाना सिखाती हूँ, मतलब उन्होंने हंस हंस के मुझसे गाना सीख लिया और मैंने टूटी फूटी आवाज़ में उनको गाना सुनाई दिया और सिखा भी दिया। और आज के लिए मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ, आप लोगों ने मुझे याद किया और इतना बड़ा सम्मान दिया, शुक्रिया। दीदी एक मिनट आप अगर मौजूद हो और दो लाइन पहले जो गाया था उसको एक बार और गा देना, वो थोड़े जरा क्रैक हो गए थे लता जी के साथ हुआ है। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, कार्यक्रम आयोजित होता है, इसमें नगर निगम और विकास प्राधिकरण
दोनों की भूमिका होती है। 10 लाख की राशि नगर निगम द्वारा, 10 लाख की राशि विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्यक्रम में तो दी जाती है। मैं सभी लोग कि 20 साल बाद फिर हम इस मंच पर उनको कभी गाते हुए जरूर सुनेंगे, ये ताजगी बनी रहे। और गुप्ता जी, मनोज जी, क्या हो सकता है, हाउ टू बी अ गुड सिंगर, अच्छा सिंगर बनने के लिए, मतलब म्यूजिक के लिए, गायकी के लिए, सबसे पहले तो आप ना म्यूजिक डायरेक्टर को अच्छी तरह सुनिए कि उसने क्या गाना बनाया और वो क्या चाहता है, उसने कहाँ ब्रेक किया है, कहाँ पे वो कौन सी मुर्गी ले रहा है और कौन सी नहीं ले रहा। आजकल क्या हो गया, कभी कभी आई एम सॉरी बोलो क्या होता है कि गाना अगर म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से आप गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको सिखाने के लिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक बार हमसे सुन लें अच्छी तरह कि क्या गाना चाह रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर क्या गा रहा है। तो वो कंपोजिशन अगर जो भी नया सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर को फॉलो करके गाएगा तो वो हमेशा अच्छा समय होंगे। और आज जिनके नाम से आज के सम्मानित कलाकारों को अपनी प्रतिभावना व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करूंगा, सभियों के बीच उनको बुलाऊंगा। You guys have a big day, I'm just saying.